अमेरिका के मिसौरी में रविवार को हुई गोलाबारी में एक शख्स की मौत हो गई जबकि चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मिसौरी के अमेरिकी लीजन इमारत में आग लगने का अलार्म लगने के बाद कैनेट पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद पता चला है कि कई लोगों की गोली लगी है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और इस महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक देश में करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जो विश्व में कोरोना से हुई कुल मौतों का लगभग 20% है। अमेरिका में कोरोना से लगातार उथल पुथल जारी है। यहां संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,81,14,000 से अधिक हो गई है, जबकि 4,98,384 लोगों की जान चली गई है। अर्जेंटीना में चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। देश की नई स्वास्थ्य मंत्री कार्ला विजोटी ने रविवार को सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया। अर्जेंटीना को अगले गुरुवार को चीनी वैक्सीन की 10 लाख खुराक मिलने की उम्मीद थी, जो कि 5 लाख लोगों को लगाई जाने वाली है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को अमेरिका से कारोबार और लोगों के बीच संपर्क पर रोक हटाने का आह्वान किया है। अमेरिका के इस प्रतिबंध को ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत के इलाकों में चीन एक गैर जरूरी दखल मानता है। विदेश मंत्रालय के एक मंच से अमेरिकी चीन संबंधों पर वांग का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब चीन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए गए टकराव पैदा करने वाले कदमों को वापस लेने का दबाव बना रहा है। अमेरिका के चीन के हाल में बनाए गए तटरक्षक कानून पर भी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा इससे इलाके में जारी क्षेत्रीय और समुद्री विवाद और बढ़ेगा और अवैध दावे करने वालों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने पिछले महीने तटरक्षक कानून को पारित किया था जिसके तहत पहली बार तटरक्षक विदेशी पोतों पर अब गोलाबारी भी कर सकते हैं। इसराइल में समुद्र में तेल रिसाव के कारण जीव जंतुओं के लिए खतरा बढ़ गया है। सरकार ने रविवार को अगले नोटिस तक अपने सभी भूमध्य सागरीय तटों को बंद करवा दिया है। पता जा रहा है कि रिसाव के बाद कई टन तेल समुद्र के 100 मील से अधिक दूरी तक फैल गया है। इसे देश की सर्वाधिक भीषण पारिस्थितिक आपदाओं में से एक कहा जा रहा है। अपने कट्टर इस्लामिक कानूनों के लिए कुख्यात सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब महिलाएं भी सेना में शामिल हो सकती हैं। सऊदी अरब ने सेना के तीनों ही अंगों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मेडिकल सेवा और रॉयल स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में महिलाओं के शामिल होने की अनुमति दे दी है। सऊदी अरब के महिलाओं की अनुमति देने को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सत्ता पर काबिज सैन्य सरकार के दमनकारी रवैये के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला कम नहीं हुआ। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मानले में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई हैं, जहां इसमें 2 लोगों की मारे जाने की खबर है। हालांकि रविवार को कई शहरों में प्रदर्शनकारी फिर से एकजुट हुए। इसी दौरान पुलिस की गोलाबारी में मारे गए एक युवक का अंतिम संस्कार भी किया गया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। नारायण स्वामी ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने के बाद लगभग 1 घंटे तक सदन को संबोधित किया और उसके बाद सभी सदस्यों के साथ बाहर गमन कर गए। विधानसभा अध्यक्ष वी शिव को लोंगू ने घोषणा की है कि नारायण स्वामी की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव गिर चुका है और सरकार ने बहुमत खो दिया है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने सोमवार को कांग्रेस द्रमुक सरकार के विधानसभा में बहुमत साबित करने में विफल होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। नारायण स्वामी ने उपराज्यपाल तिमिलसाई सुंदर राजन से मुलाकात की है और अपने मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा दे दिया है। अब उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगले 3 महीनों के लिए यहाँ पर सरकार बनाने के लिए विपक्ष को आमंत्रित किया जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोमवार को प्रस्तुत अपने मौजूदा कार्यकाल के 5वें और अंतिम बजट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाज के हर वर्ग को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। बजट अनुमान का आकार 5,50,270,78,00,000 रुपए बताया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनावी राज्य असम में गए थे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि असम की बीजेपी सरकार ने यहां सभी अधूरे कामों को तेजी से पूरा करवाया है और वंचित जगहों पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि असम के पास सब कुछ है जो यहां के नागरिकों को बेहतर जीवन के लिए जरूरत है। इसकी है कि विकास का जो डबल इंजन है उसे मजबूत किया जाए। शबनम की दया याचिका खारिज करते हुए यूपी के अमरोहा जनपद के बावनखेड़ी गांव हत्याकांड में मौत की सजा पाए प्रेमी युगल शबनम और सलीम को फांसी की तैयारियां चल रही है। प्रेमी संग मिलकर अपने ही परिवार के साथ लोगों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम की दया याचिका को राष्ट्रपति ने पहले ही खारिज कर दिया है।
उत्तर प्रदेश का वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ का लंबा चौड़ा बजट पेश किया है, जो कि यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह बजट अयोध्या में भी रहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रामनगरी के लिए जमकर बजट प्रस्तावित किया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना वायरस के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसे देखते हुए पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, और पुणे के अलावा नासिक में रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जो आज रात 8 बजे से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। यवतमाल, अकोला और अकोट में कल सुबह 6 बजे से यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। देश में गर्मी बढ़ने के बाद एक बार फिर सर्दी का सितम लौटता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत अन्य जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 25 फरवरी तक पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहने की संभावना है। बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की महासचिव फामिला गोस्वामी के ब्यूटी पार्लर पर पुलिस ने आज छापा मारा। फामिला को शुक्रवार को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद 25 फरवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। अदालत में फामिला ने जमकर उत्पात मचाया था। पुलिस से बचकर भागने का भी उन्होंने प्रयास किया। फामिला ने बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता और कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर साजिश रखने का भी आरोप लगाया। दादरा और नगर हवेली से लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर दक्षिण मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए हैं। उनका शव मरीन ड्राइव पर होटल सी ग्रीन में पाया हुआ मिला है। पुलिस को इस कमरे में गुजराती में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डेलकर की उम्र 58 साल थी। 2019 में वे केंद्र शासित दादरा से बतौर निर्दलीय सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को केरल में राज्य की वाम मोर्चा सरकार को निशाने पर लेते नजर आए। योगी ने कहा कि वर्ष 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने यहां की सरकार का ध्यान लव जिहाद की ओर आकर्षित किया था, लेकिन यहां की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून नहीं बना पाई, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना दिया। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक फार्म हाउस में 20 वर्षीय युवती के साथ कथित रूप से भाजपा के एक पदाधिकारी सहित 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी है, जहां इस मामले को लेकर शहडोल जिले के भाजपा अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने कहा है कि सामूहिक बलात्कार मामले में विजय त्रिपाठी का नाम आने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से जेतपुर मंडल अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते रविवार को लिफ्ट टूटने के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाल बाल बचे हैं। ओवरलोड लिफ्ट भरभराकर 10 फीट नीचे गिरी तो वहां मौजूद लोग भी घबरा गए थे। कमलनाथ वहां डीएनएस अस्पताल में भर्ती पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल का हालचाल जानने पहुंचे थे। पता जा रहा है कि लिफ्ट के ओवरलोड होने की वजह से यह हादसा हुआ था। 15 लोगों की क्षमता वाली इस लिफ्ट में 20 लोग सवार हो गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे वरिष्ठ बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने अब मंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिलनी ही चाहिए, क्योंकि विंद को अभी भी पर्याप्त महत्व नहीं मिला है। अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर कर दिए गए पार्टी के वरिष्ठ विधायक केदार अब मंत्री बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक नाबालिग लड़की पर रविवार रात को एसिड अटैक मामला सामने आया है। शख्स ने घर में घुसकर पीड़िता पर एसिड फेंका है। लड़की को हापुड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबियत बिगड़ने पर उसे मेरठ के सरकारी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को किशोर बयानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और मुकेश धीरूभाई अंबानी की रिलायंस रिटेल के बीच 24,713 करोड़ के सौदे को मंजूरी देने से रोक दिया है। ई कॉमर्स के दिग्गज कंपनी अमेजन द्वारा अपील को स्वीकारते हुए शीर्ष अदालत ने इस अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। जस्टिस एफ नरीमन और बी आर गवई की पीठ ने फ्यूचर समूह की कंपनियों और बयानी को नोटिस जारी किया है। पटेरा के कुम्हरी थाना क्षेत्र के मजगुहा हंसराज हार में जंगली सुअर के हमले से ग्रामीण पुरुषोत्तम लाल की मौत हो गई। मृतक जंगल में लकड़ी बीनने गया था, जहां इसी दौरान सुअर ने उस पर अचानक हमला कर दिया। ज्यादा खून बहने के कारण युवक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सड़क स्थित स्मार्ट पार्क में पौधारोपण करने पहुंचे थे, जहां सीएम ने बरगद का पौधा लगाया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पर्यावरण पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हमको धरती के अस्तित्व को बचाना है तो जरूरी है कि हम वृक्षारोपण करें।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदेश में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाइयों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल एंड ऐप लॉन्च किया है। प्रदेश में 1000 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक परियोजनाओं की त्वरित स्थापना हेतु वाणिज्यिक और उद्योग विभाग ने ये मोबाइल ऐप विकसित करवाया है। विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी संभालने के बाद गिरीश गौतम बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाव ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। स्पीकर ने कहा कि कोरोना के कारण विधानसभा सत्र संचालित नहीं हो सका था, लेकिन अब कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। कांग्रेस विधायकों के साइकिल से विधानसभा जाने पर प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि साइकिल पर जाए या गधे पर जाए या घोड़े पर ही जाए, किम कर्तव्य विमूढ़ की यह स्थिति है कांग्रेस की, वो तय कर ले कि किससे विधानसभा जाना है। मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक सेवाएं कम नहीं की गई है, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरते। कांग्रेस विधायक नीले डागा के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि बाकी विधायकों पर भी छापे पड़ेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। गुना के मऊगढ़ा में हुए 2 बच्चों की मौत के बाद मंत्री महेंद्र सिसोदिया मृतक के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बच्चों के परिजनों से मिलकर उन्हें संतावना दी। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है, पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके कांकेर जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंची थी, जहां अंतागढ़ विकास खंड के ग्राम टेमरू पानी पहुंचकर उइके गोत्र के 7 भाइयों के जात्रा मिलन समारोह के आयोजन कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुई। यहां उनका आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हो गया, लेकिन पहले दिन केवल राज्यपाल का अभिभाषण ही हो सका। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल उइके ने अभिभाषण की शुरुआत गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ से की। जबलपुर जिले के बनागर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर सांसद राकेश सिंह और क्षेत्रीय विधायक सुशील तिवारी मौजूद रहे। मंगल भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वही कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की पूंजी है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। सीएम वी नारायण सामी बहुमत साबित नहीं कर पाए और अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने कहा कि पूर्व एलजी किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। विंध्य क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी है, जिसके चलते एक बार फिर रीवा से नागपुर इतवारी के लिए एक नई ट्रेन का शुभारंभ किया गया। इसको लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल रैली के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। ये ट्रेन नागपुर इतवारी के लिए सप्ताह में 3 दिन तक चलेगी। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में कैच द रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को वर्षा जल संग्रहण के बारे में जानकारी दी गई। कैच द रन कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र चांपा के जिला युवा समन्वयक DYC राहुल सीनी के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न विकास खंडों में स्वयंसेवकों और युवा मंडलों के माध्यम से किया गया। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर में काम करने वाले इंजीनियर आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि ये सभी इंजीनियर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश बिजली जनरेटिंग कंपनी इनके साथ भेदभाव कर रही है। कनिष्क अभियंताओं को बढ़ा हुआ वेतनमान और पदोन्नति भी नहीं दी जा रही। ग्वालियर किला स्थित सिंधिया स्कूल के छात्रावास में घुसपैठ का प्रयास हुआ। यहां एक संदिग्ध युवक ने स्कूल की सुरक्षा को भेद कर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। वही सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ा और बहाड़पुर पुलिस को सौंप दिया है। वही संदेही उलिया से कश्मीरी लग रहा है, लेकिन इसकी भाषा पुलिस अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं।
सीधी बस हादसे के बाद प्रदेश भर में आरटीओ सहित पुलिस प्रशासन मुस्तैद हुआ है और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे वाहन चालकों को सबक सिखाया जा रहा है। इंदौर से भीलवाड़ा जाने वाली भीलवाड़ा डिपो की बस को परिवहन और पुलिस विभाग ने पंसौर के पास रोका तो परिवहन विभाग ने देखा कि बस में सीटों से अधिक यात्री बैठे थे। मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर को फटकार लगाते हुए चालानी कार्रवाई की। खरगोन जिले के सनावद में तेज रफ्तार मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 12 से अधिक महिला मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बेडिया में साप्ताहिक अवकाश के दिन मिर्ची मंडी में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, इसलिए ग्राम इनपुन पुनर्वास से 22 महिला मजदूर एक वाहन से रवाना हुई थी। रीवा जिले में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है, जब सड़क हादसे का शिकार हुए एक व्यक्ति के शव पर सैकड़ों वाहन करीब 50 घंटे से भी ज्यादा समय तक उसे रोकते रहे। दिल दहला देने वाली यह घटना चौरहटा थाने के शार्क इन गार्डन स्थित बाईपास की। मृतक की पहचान संपत पाल के रूप में हुई है, जो कि सोनवर्षा थाना रामनगर जिला सतना का रहने वाला है। अखनार के ग्राम सिरपुर में तहसीलदार संजय बागमारे ने अमले के साथ अवैध अतिक्रमण घटाया, साथ ही राजस्व अमले ने बस स्टैंड पर स्थित 4 सीमेंट की बड़ी बेंच को भी हटा दिया। एक मकान के पास स्थित बरगद के वृक्ष की डालियों को सुरक्षा के लिहाज से कटवाया गया है। इस दौरान तहसीलदार ने व्यापारियों को फिर से अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक जूनियर इंजीनियर कमलेश कुमार कसेरा ने शिकायतकर्ता सतीश पंचकार से विद्युत चोरी के प्रकरण को रफा दफा करने के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी थी। इसकी पहली किश्त फरियादी ने दे दी थी। उज्जैन के बड़नगर रोड पर चंदूखेड़ी गांव से कुछ दूरी पर बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस दुर्घटना में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा था और एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीधी बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश का परिवहन अमला लगातार सड़कों पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर अरविंद सक्सेना प्रतिदिन सड़कों पर परमिट फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने अब तक लगभग 9,000 बसों की चेकिंग की है और इनमें से 600 से ज्यादा ओवरलोडिंग केसेस और अन्य मामलों में चालानी कार्रवाई की। सिवनी जिले के घनसौर में एक पोते ने अपनी दादी की हत्या कर दी। घटना ईश्वरपुर गांव की है, जहां पोता अपनी दादी को खाना खिला रहा था, लेकिन दादी ने खाना खाने से इनकार कर दिया, जहां इसी बात से नाराज होकर पोते ने दादी की गला दबाकर हत्या कर दी। धार जिले के कुक्षी में जिला प्रबंधन रीजनल मैनेजर MS यादव ग्रामीण बैंक शाखा बाग पहुंचे थे। बैंक स्टाफ ने उनका जहां स्वागत किया तो वहीं आजीविका स्वयं सहायता समूह के हितग्राहियों के साथ अन्य हितग्राहियों को 20 लाख रुपए की ऋण राशि वितरित की गई। ऋण राशि का वितरण शाखा प्रबंधक BS ठाकुर ने किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक समन्वयक सुरेश परमार और सीमा चौहान समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पन्ना के अजयगढ़ ब्लॉक में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां स्वास्थ्य विभाग पर रिश्वत लेकर अयोग्य महिलाओं को नियुक्ति देने का आरोप लगाया गया है। आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा तब हुआ जब जेतपुर सुखी ग्राम की रामकली और तेरोनी गांव की महिला राधा दोनों का नाम मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हुई। शुजालपुर में हुए संभागीय पत्रकार सम्मेलन में शामिल हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शिक्षा समाज को गढ़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को सही दिशा देने का दायित्व निभाते हैं। इस मौके पर शलभ भदौरिया मनोज जैन सहित कई पत्रकार सम्मिलित हुए।